हम चर्चा करते हैं आपसे भारत की बनी हुई कुछ चीज़ों की। आप बहुत सुनते होंगे पारदेश्वर, पारद, मर्क्यूरी से ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। हमारे संस्थान भविष्य एस्ट्रो रिसर्च सेंटर में भारत से बने हुए शिवलिंग, नंदी जी, पिरामिड्स, श्रीयंत्र, पारद गुटिकाएं जो कि 20 ग्राम के आसपास होती हैं गले में पहनने के लिए, भारत की मालाएं जाप करने की और गले में पहनने की, भारत के लक्ष्मी और विष्णु चरण, ये सभी चीज़ उपलब्ध होती है। हमारे संस्थान को 21 साल हो गए। तो भारत से ये बनी हुई चीज़ें हमारे यहाँ हम अपनी ओर से पूरी शुद्धता के साथ देते हैं, उनको हीलिंग करके देते हैं, मंत्रों के द्वारा उसको अभिमंत्रित करके देते हैं कि जो उसके दोष मान लीजिए बनाने में आ जाते हैं लोगों के हाथ से, वो दूर हो जाएं। अब बड़ी भ्रांतियां हैं भारत के बारे में। लोग हमसे पूछते हैं कि साहब भारत के शिवलिंग हम या भारत के नंदी जी या भारत के गणेश जी हम रखें या नहीं रखें, और रखें तो उसको कैसे पूजा करें, उसका जल पी सकते हैं क्या। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। तो भारत से संबंधित चीज़ों को आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। स्थापना करते समय ध्यान रखें कि उन पारद शिवलिंग या पारद की संबंधित किसी भी प्रतिमा को चांदी या मेटल की प्लेट्स में नहीं रखें। उसके लिए आप मार्बल ले सकते हैं, मार्बल की बनी हुई प्लेट्स ले सकते हैं, हमारे यहाँ रत्नों की बनी हुई प्लेट्स होती हैं, आप वो ले सकते हैं, उसके ऊपर उनको स्थापित करें। नियमित रूप से जैसे हम अपने भगवान की अपने घर के पूजा स्थान में रखकर पूजा करते हैं, उसी तरह से आप उनकी पूजा करें, उनको चंदन या अष्टगंध या कुमकुम का तिलक लगाएं। ये ध्यान रखें कि पारद से बनी हुई किसी भी वस्तु को पानी से स्नान नहीं करवाएं और उसका जल भी ग्रहण नहीं करें। यदि आप पानी से स्नान करवाते हैं तो उस प्रतिमा का शरण होता है। शरण होता है मीन्स वो प्रतिमा धीरे 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 उसका पारद निकलने लगता है और कुछ समय बाद वो पारद की प्रतिमा खराब हो जाती है। जब मॉइस्चर का टाइम आता है, जब बारिश का टाइम आता है, तो जो पारद होगा उसमें हल्का कालापन आता है, तो वो इस बात का कोई संकेत नहीं है कि वो कोई नकली है। पारद का जो कालापन आता है, आप उसको कॉटन से या सफ़ेद कपड़े से या नींबू से आप साफ कर सकते हैं। अब पारद की रखी हुई जो प्रतिमा आपके पूजा स्थान पर है, उसको रोज रोज उठाकर साफ करने की जरूरत नहीं है। साल में 2 या 3 बार, जैसे दिवाली है, महाशिवरात्रि है, या आपका जो भी त्यौहार है, उस टाइम पर उनको उठाएं, साफ सफाई करें और फिर पुनर् वहीं पर स्थापना कर दें उनकी। भारत से बनी हुई किसी भी चीज़ को आप अपने घर के पूजा स्थान पर रख सकते हैं, उसकी सेवा पूजा कर सकते हैं, उसको रखने में किसी भी प्रकार का कोई भी दोष नहीं होता है। यदि आप किसी भी भगवान की वहाँ स्थापना कर रहे हैं तो अच्छे से उनकी सेवा पूजा करते रहें। उनकी साफ सफाई नियमित रोज करने की ज़रूरत नहीं है, आप साल में जब 2-3 बार उनको वहाँ से हटाकर साफ सफाई करेंगे, जब स्नान करवाएंगे, बस तभी करें आप। इससे और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके मंत्र में, आपकी वाणी में, आपके दिमाग में शुद्ध श्रद्धा होना चाहिए, शुद्धि होना चाहिए, तभी वो सारी चीज़ें अच्छे से और बढ़िया से काम कर पाती हैं। ये हमेशा आप ध्यान रखें। धन्यवाद।